फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस इन बिग बॉस, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार होता है. फाइनली यू आर गोइंग टू एंटर एज वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें काफ़ी जल्दी वाइल्ड कार्ड एंट्री हम देख रहे हैं, तो आप कितने एक्साइटेड है ये बताएंगे? बहुत ज़्यादा. इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, अच्छा शो है. हर कोई एक्टर, टेलीविजन एक्टर स्पेशली जाना चाहता है. एक बोलते ना 2x लग जाता है आपकी जर्नी में ऊपर जाना. बिगड़ता भी है, कुछ लोगों का बिगड़ता भी, कुछ लोगों का सुधरता भी है, आप पे डिपेंड करता है. कंग्रेचुलेशंस तो बहुत अच्छे लगते हैं आपको, बट अंदर जाके फिर जो जिस तरीके से आपको खेलना होता है उस पर डिपेंड करता है कि आगे की जर्नी डिसाइड होती है आपकी. जब आपको बिग बॉस के लिए अप्रोच आया तो क्या थॉट प्रोसेस चल रहा था, किस तरीके से हुआ सारी चीज़ें? किस तरीके से, तो वजह तो आप अंदर जाएंगे तो आपको देख के पता चलेगी किस तरीके का बूम मिलेगा मुझे. और हाँ, अप्रोच मेरी साइड से भी था, उनकी साइड से भी था, और टीम ने बात करी थी, डिस्कशन किया था कुछ चीज़ों पे, और या जस्ट इट जस्ट हैपेंड. वाइल्ड कार्ड ये, हाँ ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि सेकंड इतना जल्दी वाइल्ड कार्ड कैसे हुआ? तो टीम प्लान कर रही थी, बट हमारी बात हुई मेरी टीम से, तो हमने ये डिसाइड करा कि थोड़ा और पहले ये डेट वगैरह का तो उनका डिसीजन था, बट मैं चाह रहा था अंदर घर के अंदर जाना, क्योंकि तो मुझसे रहा नहीं जा रहा था. तो या इस बार का कांसेप्ट दिल दिमाग और दम, तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे, दिल दिमाग दिल ही प्रेफर करूँगा, बट देखो दिल दिमाग दम तो हम सब सब सबके पास होता है. अब आप डिफरेंस ये है कि आप दम दिखाते कब और दिमाग कब दिखाते हो, और दिल से खेलते हो कब. तो मैं सभी से खेलना चाहूँगा, दिल से, दिमाग से, दम से, सभी से. और घर की बात करें तो मैं तो ऑलमोस्ट होना चाहता हूँ. इसमें एक चीज़ बेनिफिट आपको मिला है एज वाइल्ड कार्ड, को हमेशा बेनिफिट मिलता है कि एक महीने बाद या 15-20 दिन बाद किसी ना किसी का एंट्री होता ही है. मुझे गेम तो आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे किसी का गेम अच्छा नहीं लग रहा है. बहुत ही सब ठंडे पड़े हैं, और एक एंटरटेनमेंट वाइज बीच बीच में वो विक्की अच्छा लग रहा था मुझे स्टार्टिंग में, बट अब वो भी एज अ गेम देखेंगे तो नहीं. मुनावर बोल रहा है बस कि मैं करूँगा करूँगा, बट कर नहीं रहा है. अभी मैंने शुरू नहीं किया, तो आप कब करोगे? तो नहीं. अभी रिसेंटली हम देखे अभिषेक और ईशा का जो भी चल रहा है, अभी आप अंदर जाओगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो नोकझोंक होने ही वाली है. बिल्कुल होगी, बट आप अंदर जाके अपना एक इंडिविजुअल शो करेंगे या ईशा को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि नहीं, नहीं. जो भी हो रहा है चीज़ें काफ़ी अलग लग रही है अभिषेक के टूवर्ड्स, ईशा भी जो कर रही है उनका माइंड भी कुछ अलग ही चल रहा है, बट एट द एंड आप एक इंडिविजुअली हो, ये आपको हमेशा याद रखना है. तो किस तरीके से आप इसको टैकल करेंगे? जी बिल्कुल, गेम मैं गेम के लिए ही जा रहा हूँ. अब वो ईशा, अभिषेक या जो भी है वो उस गेम में इंक्लूडेड है, तो ऑब्वियसली वो सिचुएशन को मुझे झेलना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा जिस तरीके से. ऑब्वियसली ईशा मेरी बहुत क्लोज है हम, तो मैं जहाँ जहाँ अभिषेक ने गलत किया है मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बैंड बजाऊँगा. ईशा आपकी गर्लफ्रेंड है जी, बट उन्होंने ऐसा कुछ एग्री नहीं किया है. जी बिल्कुल नहीं किया है. कुछ दिनों के एपिसोड के पहले हमने ये भी देखा है कि वो कहते हुए नजर आ रही है कि अभिषेक को माफ कर दिया. तो ऐसे बिग बॉस के घर में जाके क्या होता है कि इतने सालों की जो चीजें होती है 2 दिन में हम कैसे माफ कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? जी जानते हैं तो आप कह सकते हैं. मैं ईशा के लिए तो ये बोलना चाहूंगा कि दिल की साफ लड़की है, ठीक है बेवकूफ़ी करी उसने. आई थिंक जो लोगों को देख के बुरा लग रहा है, घर वालों को भी लग रहा है, उससे कई ज़्यादा मुझे लग रहा है. बट क्या होता है ना, यही डिफरेंस होता है अंडरस्टैंडिंग में और एडजस्टमेंट में. वो बंदा एडजस्ट कर रहा था, एक बार करा, दो बार करा, तीन बार करा, चार बार करा, पांचवी बार फटा. फटने पे उसका जो नेचर था उसने थप्पड़ मारा. मैं समझा और अभी भी कोशिश, अभी मैं नहीं समझाऊँ, अभी मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं हूँ. मैं अंदर जाके उससे बहुत सारे सवाल करना चाहता हूँ और सच बताऊँ तो फटना चाहता हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा समझने की. यही डिफरेंस होता है आप में. तो आप ईशा की बातें जाके अंदर सुनेंगे फिर डिसाइड करेंगे कि क्या हो रहा है? सुनेंगे नहीं, सुनना तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ. जो भी उसने किया मैं उसको जानता हूँ, तभी मुझे ऐसा लग रहा है. देखो दो रीजन्स हो सकते हैं, या तो उसने जेन्युइनली माफ़ कर दिया या उसने गेम के लिए किया. ओके,
अब मैं जाऊंगा, अगर वो बदल गई, अपना नेचर चेंज कर लेगी, अभी बेड शेयर कर रहे हैं तो वो ना करे, तो क्या आपको नहीं पता था कैमरास में आपको मैं देख रहा हूँ मतलब? तो ठीक है, हो सकता है, इसको बोलेंगे इमैच्योरिटी। आप जिसको देखते हो वैसे रिएक्ट करते हो, अगर मैं जाऊँगा मुझे देखेगी तो वैसा रिएक्ट करेगी, इतना सेंस नहीं होता है आपको, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, आप कैमराज लगे तो कब तक फेंक रहोगे? तो वो शी इज़ जस्ट बींग ऑनेस्ट, उसको रोते हुए नहीं देख सकती, उसने जैसा किसी को बोला कि नहीं देख सकती रोते हुए। बट मेरा पॉइंट ये है कि वो इंसान को आप समझो कि वो किस हद तक गिर चुका है, औरतों से बात करनी नहीं आती उसे, तमीज़ नहीं है, तो आई थिंक ऐसे इंसान से तो बात तक नहीं करनी चाहिए। और उसने की, कोई बात नहीं, वो उसका वो हक है उसका, मैंने कोई खरीद नहीं लिया उसे, सबको हक होता है। जब हम जनरली एक नॉर्मल सबके साथ जब जाते हैं बिग बॉस में, तो एक सबको रहता है कि वन वीक में सारी चीजें समझ ले, आपने बाहर से सारी चीजें देखी है, अब आपके ऊपर एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि शो में जाके शो का जो माहौल है उससे थोड़ा सा स्पाइस अप कर ले, पंप अप कर ले, तो आप कितने इसमें ये खड़े उतर पाएंगे? देखिए, बाहर से देखना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है और अंदर से देखना अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हमने देखा कि एक दिन में ईशा ने माफ़ कर दिया और एंट्री पे झगड़ा दिखाया था, अब हो सकता है उसके बीच में बहुत सारी कन्वर्सेशंस हुई होंगी उनकी, बट 50 मिनट के एपिसोड में जितने भी मिनट का होता है उसमें नहीं दिखा पाए, लेकिन था तो एक ही दिन, तो ऑडियंस ने सोचा यार एक दिन, हो सकता है बीच में बहुत सारी बातें हुई होंगी। तो अंदर जाके एक अलग माहौल होता है, आप बाहर से नहीं डिसाइड कर सकते कि कैसे गेम खेलना है क्या नहीं। रही बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो मुझे नहीं लगता मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं एज एन कंटेस्टेंट जा रहा हूँ, इंडिविजुअल गेम खेलने जा रहा हूँ, एंड ऑब्वियसली कोई मैं कोई चीज़ करने जाऊँगा तो उसको अपना बेस्ट दूंगा, तो या दैट्स इट। एंटरटेनमेंट वाइज नहीं जा रहा हूँ, अगर ऐसा होता तो राखी सावंत जैसे लोगों को लेते, मुझे नहीं लेते, ग्लैमर की कमी इसलिए ले रहे हैं। ओके, लास्ट मैसेज टू योर फैंस ऑडियंस, क्या कहना चाहेंगे उन्हें और क्या मैसेज देना चाहेंगे? वी होप कि आप अपना इंडिविजुअल चीजें सारे दिखा पाए और अभिषेक और ईशा के बीच में ना रह जाए, मतलब उनके चीजों को सॉल्व करोगे फिर क्या होगा, वीकेंड में ऐसा होगा कि आप उन्हीं में हो गए हो। देखो, सॉल्व करने वाले बंदे में है नहीं, है ना, जो हमारा बंदा है, हमारी बंदी है, उनसे बात करेंगे और या सॉर्ट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है ना, सिचुएशन एंडिंग करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। और फैंस को मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखो बिंदास, अभी तो और फैंस बनेंगे हमारे, तो देखो बिंदास, इन्जॉय करो, और हाँ आप लोग ही बनाते हो, आप लोग ही नीचे करते हो।